हेलो, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रीम इलेवन एक फैंटेसी वेबसाइट है जो कि आपको मेगा जीएल जीतने के लिए बहुत सारे आपको टिप्स बताता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसी टिप्स को जानने के लिए आज ये वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो पर आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल स्क्रीन तो आपको दिखाना होगा। तो चलिए हम पहले अपना मोबाइल स्क्रीन दिखाते हैं आपको। तो हमने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया है और आप साइड में देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन शो कर रहा होगा। वहाँ पे आपको शो करने जो भी है आपको मोबाइल स्क्रीन साइड में शो कर रहा होगा। तो आपको हम कुछ ट्रिक्स बताने के लिए, सबसे पहले हमें चलना होगा पीछे का जो मैच खेला गया है उस पर। तो आपको दिखा देते हैं, आप साइड में देख सकते होंगे। पहले हम किस पे जाना होगा, इस माय मैचेस पे, उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपकमिंग लाइव और कंप्लीट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हमें कंप्लीट पे क्लिक करना होगा। चलिए कंप्लीट पे क्लिक कर लेते हैं। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा मैच जो भी देखने को मिल रहा है, ये मैच है, ये मैच है, ये मैच है, सभी का आपको दिखा देते हैं कि किसमें क्या हुआ है और कितने खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सपोज इस मैच का हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, तीनों मैच का आपको दिखाएंगे, बारीकी से देख लीजिएगा, समझ में आता है तो ठीक है। तो चलिए पहले हम मैच को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो मैच हुआ है, जो ड्रीम इलेवन में जीता है, विनर है, उसको दिखा देते हैं कि उनका टीम किस तरह था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ था। तो आप इस जगह पर देख सकते हैं, देखिए ये जो है 75,000 रुपये जीता था, फर्स्ट रैंकिंग का आया था, ठीक है। तो इनका टीम क्या था वो आप पहले देख लीजिए। एक टीम देख सकते हैं जिसमें जो आपका खिलाड़ी था, टोटल एक खिलाड़ी, एक खिलाड़ी, एक खिलाड़ी, मतलब कि जितना भी खिलाड़ी है, बैट्समैन जो भी है, पांच टोटल आपको ड्रीम टीम में थे। ऑलराउंडर सेक्शन से दो थे, वहीं पर बॉलिंग सेक्शन से आपको तीन थे, यानी कि एक खिलाड़ी का मिस हुआ है आपका ऑलराउंडर सेक्शन से, ठीक है। तो आप देखिए कि इन खिलाड़ी का जो सिलेक्शन परसेंटेज क्या था जिसको आप अपने टीम में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन से आपको हम दिखा देते हैं। विकेट कीपर सेक्शन पे जब हम क्लिक किए हैं तो इस जगह पे आप देख सकते हो जो कि ड्रीम इलेवन टीम में है और इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। तो कितना है, 25% मात्र, ठीक है। और आपको आगे दिखा देते हैं इसी तरीका से, देखिए। और एच डार जो है उनको दे देते हैं जिन्होंने 150 पॉइंट दिया है, इनका तो 573 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है, एम ईशान को देख लेते हैं। एम ईशान का देखिए जो कि ड्रीम टीम का हिस्सा है, उसमें आपका 10% मात्र सिलेक्शन है और ये जीएल में आपका डीएड डी ड्रीम इलेवन टीम में है, ठीक है। और आपको दिखा देते हैं, और आपको दिखाते हैं ए यूसुफ जो है उनका क्या सिलेक्शन परसेंटेज है। मात्र देख सकते हैं 17% आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसको आदमी कोई सोच भी नहीं सकता है कि ड्रीम टीम का हिस्सा होंगे वो खिलाड़ी, ड्रीम टीम में होते हैं तो ही वो एक नंबर पे आते हैं, ठीक है। और आप लोग सोचते हैं क्या सेफ टीम बना ली है, सेफ टीम बनाने के बाद क्या हुआ, हम लोग जीत जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखिए एम बावर का देख लेते हैं, इनका सिलेक्शन परसेंटेज तो खैर हाई रहेगा, 82% है। उसके बाद डी एक्सन जो है इनका देखिए 28% सिलेक्शन परसेंटेज ड्रीम इलेवन टीम में। बार बार जितना भी मेरा वीडियो होगा पीछे का आप जाकर देख लीजिएगा, मैं बार बार एक ही चीज करता हूँ कि आप जो भी ड्रीम टीम बना रहे हैं उसमें आपको 40% से कम सिलेक्शन परसेंटेज जितना खिलाड़ी है आप मिनिमम 4 से 5 अपने टीम में रखिए। देखिए अगर कमजोर भी स्ट्रांग है तो उसमें आप रख लीजिए 4, अगर दोनों टीम स्ट्रांग है तो उसमें 5 कम से कम रख लीजिए, तब आपको ड्रीम इलेवन में नंबर वन रेट आ सकता है, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ, इनका तो हो गया। बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं, एम कमरान जो है उनको देखिए 83% है, इनका तो खैर कोई बात ही नहीं है। उसके बाद इधर देख लीजिए 86% है। उसके बाद आप इनको देख सकते हैं 25% सिलेक्शन
सिलेक्शन परसेंटेज इनका है, ठीक है। तो कितना खिलाड़ी हो गए, 4 खिलाड़ी हो गया। आपको दिखा देते हैं टोटल का, आप देख लीजिए इस जगह पर बैक करते हैं आपको। आपका पॉइंट सिस्टम एक कौन था, ये एम ईशान, देख लीजिए 10% हो गया आपका एक खिलाड़ी। दूसरा आपका विकेट कीपर सेशन, देख लीजिए 25% 2 खिलाड़ी हो गया। तीसरा ए यूसुफ हो गया, देख लीजिए 17%। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में देख लीजिए 28% डेनियल एक्सटेन जो है उनका 4 खिलाड़ी हो गया। उसके बाद देख लीजिए बॉलिंग सेक्शन से आपको दिखा देते हैं 25%। उन्होंने पॉइंट कितना दिया है, 105 पॉइंट। तो इस टाइप से आपको टीम बनाना होता है। मैं बार बार एक आपको समझा रहा हूँ कि ड्रीम 11 टीम अगर आप बना रहे हैं, मेगा जीएल हो या जीएल हो, जिसका भी बना रहे हैं, तो आपको 4 से 5 खिलाड़ी ऐसा रखना होता है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से कम हो। लेकिन आपको क्या करते हैं कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से ऊपर होता है उन सभी खिलाड़ियों को अपने टीम में रख लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको नुकसान है और बेनिफिट ड्रीम 11। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।